प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। और आज का व्लॉग जो है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होती है, कोई भी फंक्शन हो तो कि क्या पहने, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और देखिए आज मैंने सब फैलाया हुआ है, और आज मेरी बिटिया की रिंग सेरेमनी है, तो उसके लिए मैंने सारे कपड़े फैलाए हुए हैं। आपको दिखाती हूँ, समझ में नहीं आ रहा कौन सा पहनूँ, क्या करूँ, आप भी थोड़ा सजेस्ट करना। अभी दिखाती हूँ। इस देखिए, एक तो ये वाला लहंगा है ना, और इसका ये वाला फैंसी ब्लाउज है, और इसका ये दुपट्टा है, और गाइजे की गाउन है, और मैंने साड़ी भी निकाली है, सोचा है कि साड़ी भी पहनूं। देखना ये साड़ी है, और ये वाला इसका ब्लाउज है, और एक ये लहंगा है गाइज। अब ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा पहनो, लेडीज की ना यही बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या पहने। अच्छा वो तो पहन लिया, वो वहां पहना था, वो यहाँ पहना था, ऐसे पहना था, हमने वहां पहन लिया है। तो देखो भाई, ड्रेस तो रिपीट होती रहती हैं, ऐसी बात तो नहीं। अब देखो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, और आप बताना, क्योंकि आपको जो व्लॉग आएगा ना वो आपको रिंग का आएगा। ये वाला तो ये तैयारी का है कि हम जा रहे हैं। गाइस देखिए, इस तरह से ड्रेस, मतलब समझ में नहीं आ रही है, और जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी तो मैं सोच ही रही हूँ, और जो मैं अब आगे आपको जो क्लिप दिखाऊंगी वो ये है कि जब वो लड़की को, मतलब जब हमारी बिटिया को, भतीजी को, जब वो लोग अपना के गए थे, तो वो छोटी सी रस्म होती है, वो थोड़ा बहुत देते हैं, करते हैं, अच्छा लग के भाई आज से मतलब रिश्ता पक्का हो गया है, तो वो आपको मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँगी वो क्लिप। और उसके बाद में अब हम रिंग सेरेमनी के लिए, जैसे ये तैयारी हो रही है कि क्या पहने, क्या करें, कौन सी ड्रेस पहने, तो उसके लिए हम, मतलब बिटिया ने मेहंदी भी लगाई है, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, तो उसकी भी हमने थोड़ी सी क्लिप है, वो आपको आगे दिखाएंगे। और व्लॉग को बिल्कुल स्किप ना करें, देखें मज़ेदार बैक टू बैक व्लॉग आने वाले हैं। और साथ में जो भी कोई न्यू आ रहे हैं ना इस चैनल पर, इस चैनल को कम से कम बेल आइकन तो जरूर दबा देना, कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और प्यारे प्यारे ब्लॉग लाती रहूंगी मैं आपको। और गाइज ये उस दिन का है जब ये रिश्ता पक्का हुआ था, आई थी ये सासू माँ हैं, और ये चुनरी उड़ा रही हैं कि आज से ये हमारी बहू हुई। और देखो ये दे रही हैं जो जैसे शुरू में देते हैं, जैसे साड़ी हो गई है ना, और फ्रूट्स भी, और ड्राई फ्रूट्स भी, और स्वीट्स भी बहुत सारी। और जो पास में ये बैठी हुई हैं, ये मतलब दादस लगी, यानी कि मतलब दादी दादी लगी, तो इन्होंने ही इनको पहनाया था और दिया था। तो ये मतलब एक तरह की रस्म होती है, इंडिया में इसको रस्म बोलते हैं, टोका होता है, एक तरह की रस्म होती है जिसमें कि जब रिश्ता पक्का होता है तो लड़की को अपनाया जाता है, तो कुछ देते हैं। तो इस टाइम यही लोग आए थे, ज़्यादा लोग नहीं आए थे, केवल देखने के लिए आए थे। तो और देखो अब ये पहना रही है गले में, तो जो दादी अम्मा हैं तो उन्होंने ये गले में पहनाया था। तो भाई देखो, जैसे बड़ों को सम्मान दिया जाता है इस तरीके से। और ये हैं मतलब नंद हुई ये, और ये डेंटिस्ट हैं, और ये भी मतलब सब एक दूसरे का वो देख रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और देखो फिर कुछ पैसे भी दिए गए हैं, और साथ में स्वीट्स भी, जैसे इसको गोद भराई भी कह सकते हैं आप, कि इसको गोद भराई भी कहा, हाँ गोद भराई बोल सकते हैं इसको। देखो जो शुरुआत होती है वो मीठे से होनी चाहिए ना, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो हाँ जरूरी है, तो मीठा खिलाया जा रहा है, इसलिए है कि देखो मतलब शुरुआत बहुत अच्छी हुई है मीठे के साथ में। मीठा हमारे यहाँ जो इंडिया में है, हर शुभ कार्य किया जाता है मीठा जरूर होना चाहिए, कि आप शुभ कार्य, कोई फंक्शन, कोई रस्म रीति रिवाज में, पूजा पाठ में मीठा जरूरी होता है इंडिया में खासकर। अब लेकिन ये है कि अब चॉकलेट ने भी अपना रूप ले लिया है, लोग अब चॉकलेट वगैरह भी देने लगे हैं। और अब ये जैसा है कि भी बिंदी लगाना है, और जैसे नेल पेंट का ये छोटा सा इस तरह सा नेक भी कर रहे हैं, कि भाई अब ये हमारी हुई है ये लड़की, और ये जो है ये नंद कर रही है, बिंदी लगा रही हैं, और सब देख रहे हैं। और इस टाइम ना बड़ा वैसा मतलब
अजीब सा माहौल लगता है, अजीब सी फीलिंग आती है कि जब हम मतलब बहू को लाते हैं तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, लेकिन जब हम मतलब लड़की को देते हैं कि अब हमारे यहाँ से मतलब लड़की जाएगी तो मतलब खुशी भी होती है और एक दर्द का मतलब एहसास ज़्यादा होता है, वो मतलब महसूस किया हमने। और मतलब लड़की भी नर्वस होती है, देखो उसे भी लगता है कि मैं इतने साल तक यहाँ घर में रही हूँ और फिर मैं मतलब दूसरे घर में चली जाऊँगी, पता नहीं ये क्या रिवाज बनाए हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन हैं तो क्या कर सकते हैं, शुरू से चलते आ रहे इसी तरीके। लेकिन बहुत मतलब दिल पर पत्थर रख कर लड़की को दिया जाता है, बस इसका भाई जिसके लड़की है वही जान सकता है। और देखो अब ये सबके पैर छू रही है क्योंकि अब ये मतलब गोद भराई का हो गया है। और भैया मम्मी भी इमोशनल हो गई थी, देखो हम भी हो रहे थे, भावुक हो जाते हैं, मतलब ये मिला जुला है, मतलब हंसी का और थोड़ा सा मतलब अंदर दर्द भी, उसका संगम आप कह सकते हैं। तो इसी तरह का मतलब एहसास सा होता है, मतलब बस क्या बताएं, उनकी मम्मी की आंखों में आंसू भी आ गए। बिटिया का नाम आयुषी है और ये बड़ी वाली नंद है। अब इसके बाद में फ़ोटो शूट वगैरह भी चला क्योंकि सब फ़ोटो खिंचवाने लगे, जो भी थे ज़्यादा गैदरिंग तो नहीं थी। और फिर देखो हमारी जो दीदी है वो इमोशनल हो गई है, ये भी हमने कैप्चर कर लिया। और देखिए अब सबके फ़ोटो शूट होंगे, एक के बाद एक सब अपने फ़ोटो खिंचवाएंगे यादगार बनाने के लिए। और हम भी जो अब इस YouTube पे डाल रहे हैं, इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए डाल रहे हैं। और आप लोगों को पता हो क्योंकि मेरे काफ़ी जो व्यूअर्स हैं वो बाहर के भी हैं, इंडिया के भी हैं, इंडिया में काफ़ी स्टेट्स के हैं और फॉरेन कंट्रीज़ के भी, उनको ये पता ही नहीं होता इन कस्टम का, रीति रिवाज का, जो वो जैसे कि जो शादी के जो रीति रिवाज होते हैं उन्हें वो बहुत पसंद करते हैं और देखना उनको बहुत अच्छा लगता है इस तरह के रीति रिवाज। और वाकई मैं भी किसी का ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई मेहंदी का ब्लॉग है, किसी की हल्दी का व्लॉग है, बहुत अच्छा लगता है। देखो ये हमारी चाचा जी हैं, काफ़ी मतलब बुज़ुर्ग हैं, इनको भी बुलाया था। और देखिए अब फ़ोटो शुरू हो चुकी हैं, आप फ़ोटो का भी आनंद लीजिए। फ़ोटो कम वीडियो बना ली मैंने, छोटी छोटी सी क्लिप, जिससे कि ये रहे कि हम आशीर्वाद दे रहे। और अब देखो अब रिंका आएगा आगे तो, लेकिन ये काफ़ी टाइम पहले का है, एक डेढ़ दो महीने पहले का है, लेकिन अब जब मैंने इसको ये एडिट कराया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है देखने में ये कि देखो, क्योंकि भूल ही जाते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम में, तो अब जैसे वीडियो में कैद हो गया है तो अब अच्छा लग रहा है देखने में और यादगार रहेगा हमेशा के लिए। और इसके बाद में देखो मैं आ गई हूँ और मेरी बिटिया आ गई है और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था ये पल, और मतलब खुशी भी गम भी दोनों चीज़। और ये हमारी दूसरी बिटिया है, इसकी शादी हो चुकी है, अब इनकी होने वाली है। पर लेकिन जब लड़कियों की शादी होती है तो माँ बाप पर तो बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर। जब बहू को लाते हैं तो बहुत खुशी होती है कि दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई। और देखिए ये फ़ोटो है एक के बाद एक। और अब हम आपको दिखाएंगे मेहंदी, ये है रिंग सेरेमनी की मेहंदी जो बिटिया ने लगवाई थी। देखो कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है, देखिए ये हम लगे हुए दिखा रहे हैं कि ये मेहंदी लग चुकी है। देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, अति सुंदर। गाइस मैं तैयार हो गई हूँ, रिंग के लिए तैयार हो गई हूँ। जो आपने जो अभी आज ब्लॉग देखा था उसमें मेहंदी का जो मतलब रिश्ता पक्का करा था उसका था, हैं। और अब हम जो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे वो रिंग सेरेमनी का दिखाएंगे, हैं। तो सस्पेंस अभी बाकी है, ब्लॉग में बने रहना और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।